सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय का अध्याय पहला पढ़ने जा रहे हैं, वीरों की संतान। आई होप आप सबने अपनी बुक्स परचेस कर ली होगी, तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए एंड मेरे साथ रीड करें। ओके, सो अध्याय पहला है वीरों की संतान। ठीक है, तो इस जो ये कविता है इसमें हम देखेंगे कि कवि ने बच्चों को वीरों की संतान कहा है और बच्चे भी खुद को वीरों की संतान मान रहे हैं, मानकर देश की आन और शान बनाना चाह रहे हैं। तो जो कवि है वो क्या कह रहा है, बच्चों को वीरों की संतान कह रहा है। ठीक है, यानी बहुत पावरफुल कह रहा है और बच्चे भी खुद को क्या कर रहे हैं, वीरों की संतान मानकर देश का आन शान बढ़ा रहे हैं। हम बालक बनवान हैं, वीरों की संतान हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हम बालक हैं वो बहुत शक्तिशाली बलवान हैं, बलवान हैं, और वीरों की हम कौन है, संतान है, मतलब उन्हीं के ही बच्चे हैं हम। देशभक्ति के भगत सिंह हैं हम। अब जो ये भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, चाचा नेहरू, ये सब कौन है, हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो जिन्होंने क्या किया, अगेंस्ट लड़े इंडिया के, और इंडिया के लिए हमने जो आज आज़ादी पाई है वो सब इन्हीं की वजह से पाई है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देशभक्ति के भगत सिंह हैं हम, आज़ादी के हैं आज़ाद, बिस्मिल जैसे बेमिसाल हैं हम, साचा नेहरू की याद। तो यानी बच्चे किसको कंपेयर कर रहे हैं, खुद से भगत सिंह से कर रहे हैं, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद से कर रहे हैं, बिस्मिल से कर रहे हैं और चाचा नेहरू जी से कर रहे हैं। नवयुग के सच्चे निर्माता भारत माँ की शान है, यानी जो ये नवयुग है, नया युग है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ये क्या है, इनके हम निर्माता हैं, यानी इसी को ही हम बनाने वाले हैं। भारत माँ की शान है, यानी जो हमारी भारत माँ है, हमारा हिंदुस्तान है, उसकी हम कौन है, शान है। रणधीरों की आन है, और जो ये रणधीर है, जिनको बहुत पैशन रहता है वॉर में, युद्ध में, राष्ट्रगीत की गान है हम, हमारा जो राष्ट्रगीत है उसके हम गान हैं। हम लहराती हुई फसल में जनिया वाला बाग की, चमक रही चिंगारी हमें देश प्रेम की आग की। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम वो फसल है लहराती हुई जलिया वाला बाग की। जलिया वाले बाग में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने फायर किया था, तो वैसे ही चमक रही चिंगारी हमें देश प्रेम की आग की, यानी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे क्या किया था, अटैक किया था, फायरिंग की थी, तो उसके लिए हमारे में चिंगारी है, हमें वो जुनून है हमारे देश प्रेम की। युद्धों के हैं जय जवान हम, धरती पुत्र किसान हैं, यानी जो युद्ध होते हैं उनके हम जय जवान हैं, यानी क्या है, बहुत हम यूथ हैं हमारे, तो हमारे अंदर क्या है, वो एक पार है युद्ध की। धरती पुत्र किसान है, और धरती पुत्र किसे कहा गया है, किसान को कहा गया है। जय विज्ञान बनाने वाले विद्वानों की ज्ञान है, तो जो विज्ञान बनाने वाले जो विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका हम ज्ञान है, तो हम कौन हैं, बच्चे। ठीक है, बच्चों को किसके समान बताया गया है, वीरों की संतान के समान बताया गया है, और बच्चे भी खुद को वीरों की संतान के समान, उनके अंदर जुनून है और वो अपने जो लाइफ है वो किसके लिए करना चाहते हैं, हमारी राष्ट्रभूमि जो है, हमारा भारत माँ है, उसी पे हम क्या करना चाह रहे हैं, बिताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है इसमें हमने देखा कि बच्चे कौन है, वीरों की संतान है। तो एक बार मैं फिर से ये जो कविता है वो मैं रीड करती हूँ। हम बालक बलवान हैं, वीरों की संतान हैं, देशभक्त के भगत सिंह हम, आज़ादी के आज़ाद, बिस्मिल जैसे बेमिसाल हैं हम, चाचा नेहरू की याद। नवयुग के सच्चे निर्माता भारत माँ की शान है, रणधीरों की आन है, राष्ट्रगीत के गान है। हम लहराती हुई फसल है जलिया वाला बाग की, चमक रही चिंगारी हमें देश प्रेम की आग की। युद्धों की है जय जवान हम, धरती पुत्र किसान है, जय विज्ञान बनाने वाले विद्वानों के ज्ञान है। ठीक है, तो ये जो कविता है ये आपको भी पढ़नी है और इसका अच्छे से मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका जो ट्रांसलेट है, इसका अर्थ जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे रीड करें, समझें। ओके, धन्यवाद।